हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बिहार स्टेट के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चा बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, बिहार टेट का दे रहा है, बिहार के किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का दे रहा है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, वो श्री नीतीश कुमार जी हैं, और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो सुशील मोदी जी हैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। बिहार की जो सीमाएं हैं वो उत्तर में नेपाल से लगती हैं, दक्षिण में झारखंड से लगती हैं, पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती हैं, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती हैं। बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की जो जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग वो 10.40 करोड़ है। यहाँ जो पुरुष हैं वो 5.42 करोड़ हैं, महिलाएँ जो हैं वो 4.98 करोड़ हैं। यहाँ कुल साक्षरता दर 61.8% है, पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, महिला साक्षरता दर 51.5% है। और यहाँ पर लिंग अनुपात है, यानी कि 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो वो 918 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हैं। जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ इसका जो विभाजन हुआ था, ठीक है, तो इसका विभाजन फ्रेंड किससे हुआ था, झारखंड से हुआ था। पहले झारखंड और बिहार एक ही राज्य था, तो इसका जो विभाजन हुआ वो 31 अक्टूबर 2000 को हुआ। जो यहाँ की राजभाषा है वो हिंदी है। यहाँ का उच्च न्यायालय पटना में है। यहाँ प्रमंडल जो हैं वो 9 हैं, जिले जो हैं वो 38 हैं। विधानमंडल यहाँ पर द्विसदनात्मक है, यानी कि यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती हैं। विधान सदस्यों की संख्या है 243, विधान परिषदों की संख्या है 75, लोकसभा सदस्य की संख्या है 40, राज्यसभा सांसदों की संख्या है 16। यहाँ का राजकीय पशु जो है रीछ है, राजकीय पक्षी जो है वो फाख्ता है। वन क्षेत्र है 2.9 मिलियन हेक्टेयर। सड़क मार्ग की लंबाई है 35,411 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग है 2,118 किलोमीटर। रेल की जो रेल मार्ग की लंबाई है वो 5,309 किलोमीटर है। प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं यहाँ पे रामनवमी, रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपावली, ईद और छठ। और छठ फ्रेंड यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित त्यौहारों में से एक है। जो भी लोग बिहार के दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, बेंगलोर में हैं, इंदौर में, तो वो सब लोग अपनी अपनी जगह पर छठ पूजा ज़रूर बनाते हैं। प्रमुख मेला यहाँ पर सोनपुर का पशु मेला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये आपको याद रखना है। यहाँ के जो प्रथम राज्यपाल थे वो जयराम दौलतराम थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। पर्यटन आकर्षण क्या है यहाँ पे, पाटलिपुत्र के प्राचीन प्रसिद्ध कुमरार, हर मंदिर, गोलघर, खुदा बख्श पुस्तकालय आदि। यहाँ का जो पटना संग्रहालय वो क्या है, उसमें मुगल व राजपूत वास्तुकला का सम्मिश्रण है। सोनपुर का मेला सबसे बड़ा पशु मेला है। सिंचाई का प्रमुख साधन यहाँ पर नहर है। सबसे बड़ी योजना है गंडक परियोजना। यहाँ पर जो प्रथम दूरदर्शन केंद्र था वो मुजफ्फरपुर जिले में लगाया था 1978 में। और यहाँ पे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है, जो कि यहाँ की राजधानी भी है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पश्चिम चंपारण, यानी कि बिहार का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो पश्चिम चंपारण है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है शेखपुरा, यानी कि सबसे छोटा जिला। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी शेखपुरा है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बूढ़ी गंडक, यानी कि इसको बूढ़ी गंडक भी बोल देते हैं। तो फ्रेंड ये बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।